गाइज, आज मैं आपके लिए गजब के साइकिल से लेकर कुछ ऐसे गैजेट और आविष्कार लेकर आया हूँ जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। रो बाइक। इस साइकिल को चलाने के लिए आपको अपने पैरों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने हाथों से पैडल मारना होगा, जो इस साइकिल को काफी मजेदार बनाती है। इस साइकिल का ब्रेक हाथों के साथ साथ आपके पैरों में भी दिया गया है, ताकि आप सही समय पर अच्छा से ब्रेक लगा सकें और दुर्घटना से बच सकें। आर्क बोर्ड। ये एक स्मार्ट बोर्ड है, आपको जमीन से कुछ ऊपर हवा में उड़ने में मदद करेगा, जिसके नीचे कई सारे फैन लगे होते हैं। इस बोर्ड को हवा में तैरने में काफी मदद करता है। इसे एक बार चार्ज करने पर आप इसके मदद से 3 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हो, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। इस स्मार्ट बोट पर सवार होने के बाद आप कुछ ऐसा महसूस करोगे मानो कि आप अलादीन के उड़ने वाले चटाई पर सवार करते हो, जो आपके लिए और हमारे लिए काफी मजेदार है। LG स्मार्ट फैन। ये एक स्मार्ट फैन है जिसे आप अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो। Change the ceiling fan to low speed mode. के लिए आपको उठकर जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल से इसे कंट्रोल करना, तो बहुत ही आसानी से आप इसे अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ ऑन भी कर सकते हो। बोन माइन हीटर। अगर आप भी ठंडे इलाके में रहते हो, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के मदद से बनाया गैजेट आपके काफी काम आ सकता है, जिससे निकलने वाले गर्म हवा आपके आसपास के जगहों को काफी गर्म रखने में मदद करता है। अगर आप चाहते हो कि इसमें मौजूद हैंड वार्मर की मदद से आप अपने हाथ को गर्म रखना, तो आप अपने हाथ को गर्म भी रख सकते हो। एस लाइट। अगर आपके कार रोड पर कहीं खराब हो गई हो, अक्सर कई बार देखने को मिला है कि पास से गुजरने वाले कार को दिखाई नहीं देती है और कई बड़े हादसे हो जाते हैं, तो ऐसे हालातों से बचने के लिए आप एस लाइट का यूज में ले सकते हो, जो दूर से काफी विजिबल होता है, जो ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं से बचने में आपको काफी मदद करता है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लग गए हैं। क्या आप मुझे इस वीडियो के लिए सिर्फ 1 लाइक दे सकते हैं, जिसे देने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे? और हाँ, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।